रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव पर आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी जी ने आज नामांकन भरा है। हम सभी इस उपचुनाव के महत्व को समझते हुए इस राज्य के वर्तमान हालात और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पूर्णतः समीक्षा और जनसंवाद के बाद ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों ने राज्य की भावना को इस उपचुनाव में केंद्रित करते हुए इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया है। ये उपचुनाव 3 वर्ष के राज्य सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार हर स्तर पर लूट और जिम्मेदार व्यक्ति का झूठ के खिलाफ में झारखंड जैसे प्रदेश जिसके संभावनाएं, पॉलिटिकल संभावनाएं और इसके ग्रोथ को इसके कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के निर्णयों उनके कार्यक्रमों से प्रभावित हुआ है। हमारी कोशिश है कि रामगढ़ के जनगण के साथ मिलकर, और हम ये भी मानते हैं कि ये चुनाव मात्र रामगढ़ का नहीं, रामगढ़ के माध्यम से पूरे प्रदेश का ये चुनाव होगा और पूरे प्रदेश की वर्तमान भावनाओं पर रामगढ़ के जनमानस के साथ मिलकर इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देने का आह्वान हम लोग करेंगे और कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इस सरकार के 3 साल के अंदर राज्य के मुखिया ने किसान, नौजवान, छात्र, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इन बड़े समूह को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं की घटनाओं को आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के मानचित्र में सबसे ज्यादा घटना महिला उत्पीड़न का अपने प्रदेश में इस सरकार के नेतृत्व में, साथ ही साथ किसान आम जन का हालात भी आज के दिन में खस्ता है। लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके भ्रम में 2019 के चुनाव में इस सरकार के वायदे भ्रम के रूप में आए और कहीं ना कहीं भ्रमित करके जो जनादेश प्राप्त किया था, झूठ के बुनियाद पर जो जनादेश था, आज कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर दर लोगों के, आम जन के, आम मतदाताओं के समझ क्लियर होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। लोग हर हालात को समझने लगे हैं और उसी का प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं न केवल उनकी सरकार, उनके लोग, बल्कि सीधे तौर पर उनके प्रतिनिधि भी प्रत्यक्ष रूप से अपने सरकार के खिलाफ में सामने आकर सरकार के वादा खिलाफी पर चर्चा कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। अब ये हालात को देखते हुए रामगढ़ एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ की जनता लगातार 20 साल तक किसी न किसी रूप से, लंबे समय से इस गठबंधन के साथ, भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ रही है, इन दलों को आशीर्वाद दिया है और हमने जनता के आशीर्वाद को कर्तव्य के रूप में निर्वहन किया है
और इसका प्रतिफल है कि जब रामगढ़ अनुमंडल से लेकर आज जिला, और एक समय ऐसा था कि योजना आयोग के सारे रिपोर्ट पर रामगढ़ अव्वल हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं फिजडी है, पीछे चला गया इसका आंकड़ा। डेवलपमेंट के जितने 17 मानक हैं, कहीं ना कहीं सभी मानकों पर रामगढ़ पीछे चला गया है। अब इस बार फिर से ये झारखंड को नई दिशा देने के लिए रामगढ़ का जनमत इस गठबंधन को प्राप्त होगा, हमारे संगठन को, हमारे संयुक्त अभियान को प्राप्त होगा और हम विजयी होंगे, यही हमारा संकल्प है और यही आज से हमारा अभियान प्रारंभ होता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।